हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो सभी? ठीक हो? ओके, सो स्टार्ट करें हम आज का क्लास। तो लास्ट क्लास में आपने क्या पढ़ा था? बिगर एंड स्मॉलर नंबर। ओके, सो नाउ टुडेस क्लास विच टॉपिक? ऑर्डर ऑफ नंबर। और जो ऑर्डर ऑफ नंबर है उसमें भी आपके टू पार्ट्स है। कौन से? इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो हम ये जो टॉपिक है आपका 76 पेज नंबर पे दिया हुआ है। ये देखो 76 पेज नंबर, ये आपका आज का टॉपिक है। इसका आज हम अच्छे से इसकी स्टडी करेंगे और ऑल्सो इसकी एक्सरसाइज है वो भी हम सॉल्व करने वाले। ओके, सो स्टार्ट करें। मैंने पहले बताया ऑर्डर ऑफ नंबर में टू पार्ट्स है आपके, इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर, है कि नहीं? तो उसमें चलो उसकी डेफिनेशन हम पहले रीड करते हैं, उसके बाद में आपको नंबर्स में कैसे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग आप सॉल्व कर सकते हो ये मैं बताने वाली हूँ। ओके, सो रीड करें हम पहले डेफिनेशन। स्मॉलेस्ट, पहली है हमारी इंक्रीजिंग ऑर्डर की डेफिनेशन। सो स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट नंबर इज कॉल्ड इंक्रीजिंग ऑर्डर। और इंक्रीजिंग ऑर्डर को ऑल्सो हम क्या बोल सकते हैं? इट्स इज ऑल्सो कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर को हम असेंडिंग ऑर्डर ये भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है डिसेंडिंग ऑर्डर की डेफिनेशन है डिक्रीजिंग। बिगेस्ट टू द स्मॉलेस्ट नंबर इज कॉल्ड डिक्रीजिंग ऑर्डर, इट्स इज ऑल्सो कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर। हम डिक्रीजिंग ऑर्डर को क्या बोल सकते हैं? और डिसेंडिंग ऑर्डर भी हम उसको बोल सकते हैं। ओके, सो आपने अच्छे से डेफिनेशन रीड कर ली, आपके टेक्स्ट बुक में भी दी हुई है डेफिनेशंस। ओके, तो ये अच्छे से डेफिनेशन आपको अगर ध्यान में आ गई तो आप अच्छे से जो एग्जांपल्स है वो अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो मैं अभी इसको इरेज करती हूँ और मैं आपको एग्जांपल्स के रूप में आपको क्वेश्चन बताती हूँ कि हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो उसी पेज नंबर पर आपको दिया हुआ है, कुछ नंबर दिए है, राइट 45, 16, 23 and 8 इज इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा अभी इसका, तो हमें वो बताना है। तो क्वेश्चन है आपका क्या है, 45, 16, 23 है और 8 है। अभी हमें इसको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें इसको राइट करना है, मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में हमें इसको राइट करना है। आंसर क्या होगा फिर हमारा वो देखेंगे। अभी आपको क्वेश्चन आया होगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स, पहले ही आपने डेफिनेशन में पढ़ा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट, मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स जो इस नंबर में जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, पहले राइट करना पड़ेगा। मीन्स जो स्मॉलेस्ट नंबर से हमें किसकी तरफ जाना है, बिगेस्ट नंबर तक। आप अगर अपने घर में अभी देखो सीढ़ियाँ होती है ना, सबके घर में है, आपके घर में भी होगी। तो आप जब छत पे चढ़ने के लिए जाते हो तो आपको वन बाय वन जो सीरीज है वो चढ़ते चढ़ते ऊपर जाना होता है कि नहीं? तो आप डायरेक्टली जंप मार के ऊपर चले जाते हो क्या? नहीं, आपको क्या करना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप, मीन्स पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी। देखो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है ड्राइंग, है ना? पहला नंबर, दूसरा, तीसरा और फोर्थ, ये मैं ड्रॉ करके आपको बता सकती हूँ। देखो ये छोटा बॉक्स, उससे बड़ा बॉक्स, देन उससे भी बड़ा बॉक्स और उससे भी बड़ा। तो हम इसमें भी सॉल्व करके देखेंगे। ओके, ये देखो ऐसे आपको दिया हुआ है वहां पे। तो ये देखो ये क्या है हमारे, मैंने यहाँ पे कुछ टेबल ड्रॉ किए, इसको आप कंसीडर कर सकते हो सीढ़ी। तो ये छोटा है, ये इससे बड़ा है और ये इससे बड़ा है और ये इससे भी बड़ा है। तो यहाँ पे नंबर दिए हुए आपको, तो इन नंबर में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है मुझे बताओ। यस, 8 इज अ स्मॉल नंबर, इसलिए हम इस यहाँ पे 8 राइट करेंगे। उसके बाद कौन सा नंबर छोटा है, चलो देखो। यस, 16 इज अ स्मॉल नंबर, उसके बाद 16 राइट करेंगे। देखो उसके बाद कौन सा नंबर छोटा है, 23, चलो 23 यहाँ पे राइट करेंगे। अभी उससे बाद 45,
ये सबसे बड़ा नंबर है इन नंबर में से, ये सबसे बड़ा नंबर है 45। तो हमने स्टेप बाय स्टेप इसको राइट किया, कैसे? सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर उससे भी बड़ा किया ना, स्टेप बाय स्टेप हमने इसको राइट। अगर मैंने बोला होता कि डिसेंडिंग ऑर्डर करो इसी नंबर का, मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर भी करके बता, तो आप क्या करते? यहाँ से स्टार्ट करते, मीन्स यहाँ से अगर आप स्टार्ट करते तो यहाँ से स्टार्टिंग होती। 45 इज अ बिगर नंबर, उससे छोटा है 23, उससे छोटा है 16, एंड उससे छोटा है 8, है ना। तो हम ये मैंने यहीं से राइट किया, ये आपको ऐसे राइट करना होता। ओके, सो ये आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो क्या? नहीं, ये आपको प्रॉपरली सॉल्व करना है। तो क्या लिखोगे आप? ए 8, असेंडिंग ऑर्डर में हमें सॉल्व करना है, तो 8, 16, उसके बाद 23, और उसके बाद 45। ये हो गया आपका प्रॉपरली राइटिंग, मीन्स ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, ओके, दीज आर असेंडिंग ऑर्डर। डू यू अंडरस्टैंड? अभी डिसेंडिंग ऑर्डर भी वैसा ही है, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको क्या करना है? बिग नंबर से स्मॉल नंबर तक जाना है। देखो, जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है उसमें आपको नंबर दिए हुए हैं 5, 34, 13 और लास्ट है 46। अभी इसका हमें क्या करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर सॉल्व करना है। डिक्रीजिंग बोलो या डिसेंडिंग बोलो, सेम ही होता है। तो मैं डिसेंडिंग लिखती हूँ, डिसेंडिंग ऑर्डर, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको राइट करना है। तो कैसे करेंगे बताओ? अभी सेम प्रोसेस, लेकिन अभी क्या होगा? बड़ा बॉक्स आएगा पहले, फिर उससे छोटा बॉक्स आएगा, फिर उससे भी छोटा आएगा, और फिर उससे भी छोटा आएगा। ओके, ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी इसको हमें कैसे सॉल्व करना पड़ेगा? फिर सबसे बड़े नंबर से छोटे नंबर तक आना पड़ेगा। तो इन चारों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 46। तो हमें यहाँ पे 46 राइट करने पड़ेंगे। ओके, उसके बाद कौन सा है? 34। 34 राइट करेंगे, उसके बाद 13, और लास्ट 5। मीन्स आपका डिसेंडिंग ऑर्डर की स्टेप क्या हो गई? फिर 46, 34, 13, 5। दीज आर असेंडिंग, सॉरी डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर आपने अच्छे से स्टडी किया, अभी डिसेंडिंग ऑर्डर भी आपको अच्छे से समझ में आया। अभी इसके रिलेटेड ही एक्सरसाइज दी हुई है आपको उसी पेज नंबर पे। देखो, उसी पेज नंबर पे एक्सरसाइज दी हुई है, वो मैं उसमें से आपको दो प्रॉब्लम सॉल्व करके बताती हूँ, बाकी के आपको ही सॉल्व करने हैं। ये देखो, यहाँ पे दिया हुआ है, वो मैं आपको दो प्रॉब्लम सॉल्व करके बताती हूँ और बाकी के आपको सॉल्व करने हैं। सो एग्जांपल, राइट द असेंडिंग ऑर्डर एंड उसके तरफ है डिसेंडिंग ऑर्डर, इन दोनों में से वन वन प्रॉब्लम मैं आपके सॉल्व करके बताती हूँ। तो पहला ले रही हूँ असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। चलो, नंबर दिया हुआ है 45, 50, 8, 70। चलो, अभी इसका हमें क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर सॉल्व करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा हमारा? असेंडिंग ऑर्डर सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट जाना है। अभी सबसे छोटा क्या है? 8। 8 राइट किया, देन उससे छोटा कौन है? 17। 17 राइट किया, फिर उसके बाद 45, और उसके बाद 50। ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। अभी डिसेंडिंग ऑर्डर का वन मोर एग्जांपल, डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, क्या है नंबर? 22, 41, 9 एंड 30। अभी इसका हमें क्या करना है?
डिसेंडिंग ऑर्डर सॉल्व करना है. तो डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे सॉल्व करेंगे? बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट. तो बिगेस्ट नंबर है 41, कॉमा नेक्स्ट 22, कॉमा 30 एंड लास्ट इज 9. ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, आपका सॉल्व हो गया. ओके, ऐसा ही आपको यहाँ पे दिया हुआ है. ये दो प्रॉब्लम तो मैंने सॉल्व करके बता दे, बाकी के जो प्रॉब्लम है वो आपको सॉल्व करने हैं. मीन्स इस क्लास का आपका ये होमवर्क है. सो आई होप आपको अच्छे से ये क्लास आज का समझ में आया होगा और आप अच्छे से स्टडी करोगे घर पे. ओके, सो आपका आज का होमवर्क है एक्सरसाइज सॉल्व करनी है. 4 क्वेश्चन असेंडिंग ऑर्डर के, 2 क्वेश्चन है और डिसेंडिंग ऑर्डर के 2 क्वेश्चन. तो ये आपको आज कंप्लीट करना है. डू यू अंडरस्टैंड? ओके, सो आज का क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं. थैंक यू एवरीवन.